इस वीडियो में गाइस मैं आपको पूमा के टॉप 5 ऐसे शूज बताने वाला हूँ जिनका प्राइस ड्रॉप होके 1000 से भी नीचे में जो है वो इस सेल में जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही में गाइस इन शूज की ये खासियत है कि इनका ओवरऑल जो वेट है वो काफी कम है, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो बहुत अच्छी है, एंड पहनने के बाद गाइस ये जो शूज है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो इन सभी फीचर्स के साथ गाइस ये जो शूज है वो आते हैं, एंड प्राइस भी अच्छा खासा जो है वो ड्रॉप हो सकता है सेल में। तो देखते हैं गाइस कि कौन सा ये शूज है एंड इनमें से कौन सा शू आपको जो है वो बाय करना चाहिए। पूमा के 5 ऑप्शंस गाइस मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं जो कि आपको अंडर 1000 रुपीज जो है वो मिल सकते हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में। तो नंबर 1 है गाइस यहाँ पे पूमा के हसल V2 रनिंग शूज़ फॉर मेन। लास्ट ईयर भी गाइस मैंने ये जो शूज़ है वो सभी को जो है वो रिकमेंड किया था, एंड बहुत सारे लोगों को ये जो शू है वो काफ़ी पसंद आया था। मैंने भी गाइस इन शूज़ का जो डिटेल रिव्यू वीडियो है वो भी बनाया है, एंड पर्सनली भी इन शूज़ को यूज़ किया था। मुझे तो गाइस ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छे लगे। जो खासियत है गाइस इन शूज़ की वो है गाइस इनका लाइट वेट होना, बहुत ही लाइट वेट ये शूज़ है, एंड पहनने के बाद लगता ही नहीं है कि कोई शू पहना है, बहुत ही वेट इनका जो है वो कम है। वही ओवरऑल जो लुक है इन शूज़ का वो भी काफ़ी अच्छा आता है। पूमा की हमें यहाँ पर जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है, अपर मेश की जो क्वालिटी गाइस वो भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। साथ ही इजीली आप इन शूज़ को जो है वो वॉश भी कर सकते हो, इजीली सारे जो स्टेन्स एंड गंदगी है वो भी जो है वो निकल जाती है। मिडसोल में गाइस यहाँ पे आपको रबर मटेरियल जो है वो मिल जाएगा जिसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, एंड जो मिडसोल की थिकनेस है ये भी डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिकनेस है तो डेली वेयर करने में प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली वेयर करना चाहते हो या फिर जिम वगैरह में जाना चाहते हो या फिर थोड़ी बहुत रनिंग या फिर कॉलेज में पहन के जाना चाहते हो तो ये शू आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो ऑप्शन है वो रह सकता है, एंड इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है गाइस वो भी बहुत अच्छी है। इनसोल की अगर मैं बात करूँ गाइस तो कोई भी मेमोरी फोम या फिर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा ही इनसोल आपको इन शूज़ में जो है वो मिलने वाला है, बट ओवरऑल जो शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी इनका जो प्राइस है गाइस वो है 1200 रुपये, बट जैसे ही सेल स्टार्ट हो जाएगा आपको 999 में आपको ये जो शूज़ है मिनिमम जो है वो मिल जाएंगे, या फिर 800 से 900 के आसपास भी जो है वो जा सकता है, बट मिनिमम 999 तो इनका जो प्राइस है वो आराम से आ जाएगा। बाकी इनमें गाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स है वो भी मिल जाएंगे, तो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप जा सकते हो। मेरे पास अभी ये वाइट वाला कलर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, पर्सनली मैं इसका जो यूज़ है वो कर रहा हूँ। एंड एक बात ये भी अच्छी है कि इस प्राइस रेंज पर भी आपको 11 तक के जो साइज़ है यहाँ पर मिलेंगे, जो कि जनरली इंडियन ब्रांड्स में हमें जो है वो नहीं मिल पाते, 10 तक ही जो साइजेस है वो अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पे आपको 11 साइज भी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते गाइस नेक्स्ट शू की ओर, जो कि है गाइस हमारे यहाँ पे पूमा के प्लश कंफर्ट रनिंग शूज फॉर मेन। अब ये शूज़ भी गाइज काफ़ी सिमिलर है जैसे मैंने हसल V2 दिखाया था उसके, बट यहाँ पे गाइज डिज़ाइन में आपको थोड़ा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूमा की जो बैचिंग है वो थोड़ी डिफरेंट काइंड की आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी, साथ ही में पूमा का लोगो यहाँ पे आपको जो है वो टंग पे देखने को मिलेगा। लुक वाइज ही गाइज जो शूज़ है वो डिफरेंट है, बाकी मैक्सिमम जो चीज़ है वो ऑलमोस्ट सेम सी जो है वो देखने को मिल जाएगी आपको इन शूज़ में। बस यहाँ पे जो ये बड़ा सा पूमा का लोगो टाइप दिख रहा है ये आपको सिंथेटिक लेदर मटेरियल में जो है वो देखने को मिलेगा, बाकी तो फिर गाइज यहाँ पे फिर मैक्सिमम जो चीज़ है वो सेम ही, अपर में यहाँ पे भी मेश का ही जो यूज़ है वो किया हुआ है, मेश की क्वालिटी भी आपको ऑलमोस्ट सेम सी जो है वो देखने को मिलेगी, लेसेस भी यहाँ पे सही है। बैक एंड साइड में गाइज यहाँ पे आपको एक रिबन जो है वो मिल जाएगा जिससे पहनने में ये जो शूज़ है वो काफ़ी ईजी हो जाएंगे। यहाँ पे भी गाइज आपको जो मिडसोल है वो सेम साइज जो है वो देखने को मिलेगा जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला था, तो ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस लुक एंड डिज़ाइन का ही यहाँ पे हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। इनका जो प्राइस है गाइज वो है अभी यहाँ पे 1300 रुपये, बट ये भी आपको अंडर 1000 रुपीज़ जो है वो मिल जाएगा, एंड ये भी गाइज डेली वेयर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है, तो इसके लिए भी गाइज आप जो है वो जा सकते हो। एंड इसमें जितने भी ये 5 शूज़ है ऑलमोस्ट सेम से ही है, थोड़ा बहुत आपको जो डिफरेंस है वो मिलेगा, बट ये सारे जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं अगर आप डेली वेयर के लिए एक बेसिक सा शू बाय करना चाहते हो एंड ब्रांडेड शू बाय करना चाहते हो तो। फिर नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे पूमा का जॉर्ड रनर V3 IDP कैजुअल फॉर मेन। ये भी शू मैंने लास्ट ईयर जो है वो रेकमेंड किया था, एंड काफ़ी सारे लोगों के जो शू है वो पसंद आया था। इसका गाइज जो लुक है वो थोड़ा स्पोर्टी है, एंड आप देख सकते हो डिफरेंट सा ही हमें जो शू है वो देखने को मिलता है। साइड में गाइज यहाँ पे हमें जो स्ट्रैप्स है वो देखने को मिलते हैं जो कि सिंथेटिक लेदर के आपको जो है वो मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पे पूमा की जो ब्रांडिंग है वो भी मिल जाती है। यहाँ पे भी गाइज आपको आउटर सोल जो है वो वैसे ही रबर मटेरियल वाला जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसका भी जो वेट है गाइज वो काफ़ी कम है, एंड अगर आप डेली यूज़ करना चाहते हो तो ईजिली इन शूज़ का जो यूज़ है वो कर पाओगे, ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा आपको इन शूज़ में। यहाँ
अभी भी गाइज मैश मटेरियल का अपर में जो यूज़ है वो किया हुआ है। इन शूज़ में गाइज आपको फ्लैटेंड जो लेसेस है वो मिलेगी, जैसे इन शूज़ में जो लेसेस है वो भी फ्लैटेंड है, एंड यहाँ पे भी जो लेसेस है गाइज वो आपको हल्की सी राउंडेड सी है बट फ्लैटेंड ही बोलेंगे इनको भी। तो यही टाइप की लेसेस आपको इन शूज़ में भी जो है वो मिलेगी, तो ये भी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, कोई ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है। तो यहाँ पे भी बस लुक का ही डिफरेंस एंड कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, बाकी अगर आप फीचर वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम से ही ये भी शूज़ है, बस वही लुक का डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल सेम ही ये भी शूज़ आपको लगेंगे। इनका भी प्राइस 1200 के आसपास है बट सेल में आराम से 1000 के नीचे गाइज ये जो शूज़ है वो आ जाएंगे, तो इन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हो। लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कौन से आपकी टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए एंड कौन सा आपको जो है वो बाय करना चाहिए। तो अब बढ़ते गाइज हमारे फोर्थ नंबर के शू की ओर, जो कि गाइज यहाँ पे हमारे पूमा के मैनर IDP कैजुअल फॉर मैन। अभी इनका प्राइस 1500 के आसपास है बट इनका भी प्राइस ड्रॉप हो गया, 1000 के नीचे आपको जो है वो आराम से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे गाइज आउटलाइन लोगो जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बैक एंड साइड में यहाँ पे आपको पूमा की जो कैट है वो भी देखने को मिल जाती है, जिससे लुक और भी एनहांस हो जाता है इन शूज़ का। यहाँ पे भी गाइज आपको सेम से ही जो चीज़ है वो देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी अपर मटेरियल में मैश का ही जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है एंड लॉन्ग टाइम भी आप यूज़ करोगे तो आपको एज सच स्वेटिंग वगैरह का भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। एंड यहाँ पे भी आपको इनर सोल में कोई भी मेमोरी फोम वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा, सेम ही स्पेसिफिकेशंस है इन भी शूज़ का, बस वही लुक वाइज आपको थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। एंड कलर ऑप्शंस भी गाइज यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे, साइजेस 11 तक जो है वो अवेलेबल है एंड 10 डेज की रिटर्न पॉलिसी आपके आपको जो है वो मिल जाएगी। तो अच्छा नहीं लगता है तो रिटर्न भी कर सकते हो, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है अगर आप 1000 के अंदर ढूंढ रहे हो शू, एंड सेल में इनका भी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। देन लास्ट जो है गाइज हमारे यहाँ पे पूमा का ब्रिज कंफर्ट रनिंग शू फॉर मैन, एंड ये ऑप्शन गाइज एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है इन पांच शूज़ में। ये शूज़ आप देख सकते हो गाइज देखने में और भी ज़्यादा जो है वो बेटर लगता है एंड काफ़ी सिंपल लुक है इन शूज़ का बट बहुत ही बढ़िया लगते हैं मुझे ये पर्सनली शूज़। इनमें गाइज आपको काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें ये ब्लैक वाला जो ऑप्शन है वो बहुत ही प्रीमियम सा जो है वो लगता है, बाकी आपको ग्रे ऑप्शन, फिर ये वाला एक ऑप्शन एंड एक वाइटिश ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो आप ब्लैक एंड या फिर ये येलो वाले ऑप्शन के लिए जो है वो जा सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेम ही स्पेसिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी, बस यहाँ पे आपको पीछे हल्के से जो पैचेस है वो मिल जाएंगे, जो कि मेनली सिंथेटिक मटेरियल से जो है वो बने होते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको जो रिबन है वो मिल जाएगा, जिससे पहनने में जो है वो ईजी हो जाएगा। मिड सोल यहाँ पे भी आपको सेम ही मटेरियल का जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपको लास्ट चार शूज़ में जो है वो देखने को मिलेगा। इनका भी जो वेट है वो काफ़ी कम है, इतना फील होता ही नहीं है कि पहनने के बाद शूज़ जो है वो पहने हैं भी या फिर नहीं। एंड लॉन्ग रन में भी गाइज अगर आप इन शूज़ को यूज़ करते हो तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इन पांचों शूज़ की गाइज जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, अगर आप डेली वेयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर जो फेस है वो नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत रनिंग या फिर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, कॉलेज के लिए जाना जाते हो, यूज़ करना चाहते हो कोई अच्छा सा शूज़, तो ये पाँच ऑप्शन गाइज आपके लिए जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है वो रह सकते हैं। अब इनमें से टॉप टू कौन से शूज़ हमें बाय करना चाहिए, तो उसके लिए गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो आप इसके लिए जा सकते हो ब्रिज कंफर्ट रनिंग शूज फॉर मेन, या फिर पूमा हसल V2 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। ये दो ऑप्शन मुझे जो है वो पर्सनली बहुत अच्छे लगे, बाकी अगर आपको लुक वाइज और कोई शू अच्छा लगता है तो उनके लिए भी आप जा सकते हो, एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट पर्सनली अगर मैं रेकमेंड करूँ तो पूमा ब्रिज कंफर्ट या फिर हसल V2 के लिए आप जो है वो जा सकते हो। ये शूज़ गाइज आपके लिए जो है वो बढ़िया ऑप्शन रह सकते हैं एंड पहनने के बाद भी गाइज आपको ये सारे जो शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है वो लगेंगे। सभी शूज़ की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप इजीली इन शूज़ को जो है वो फाइंड कर पाओ एंड इजीली जो है वो 1000 रुपीज़ से कम में जो है वो बाय कर पाओ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि कितना प्राइस है एंड सेल स्टार्ट होने के बाद चेक करके आप इन्हें जो है वो बाय कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी पूछना होगा तो गाइज कमेंट सेक्शन में आप जो है वो पूछ सकते हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में गाइज कौन से रेंज के शूज़ आपको देखना है वो भी बता देना, तो उसके ऊपर भी मैं जो वीडियो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।